हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत कुशीन में आप सबका स्वागत है। आज हम बंधा गोभी और मछली की माथा के साथ एक सब्जी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मीडियम साइज का वह एक टमाटर है जिसे चॉप किया हुआ है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये मीडियम साइज का एक आलू है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये रुई मछली का माथा है जिसे मैंने बीस से कटा काटवा दिया है। और ये 500 ग्राम हमारा बंधा गोभी है जिसे मैंने काट कर और गर्म पानी में नमक डालकर इसे उबाल लिया था अच्छे से, ताकि इसके अंदर का जो गंध होता है वो चला जाएगा। और ये 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मरिक और नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने एक डायरेक्ट चिली लिया था, 2 तेज पत्ता और 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, थोड़ा एक दालचीनी, 2 इलायची और 2 लवंग लिया है। ये मछली का माथा है जिसमें हम अब हल्दी और नमक मिला लेंगे। नमक, हल्दी और नमक डालकर हम इसे अच्छे से हाथ से पूरी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने हल्दी को और नमक को मछली के माथे में अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें मैंने तेल डाला है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मच्छी के माथे को डालकर अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे पूरा कड़ा भुनना है। हम इसे उलट पुलट कर अच्छे से पूरा कड़ा भून लेंगे। देखिए, हमारा मच्छी का माथा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम अपना आलू डालकर इसमें फ्राई करेंगे। देखिए, आलू को भी हमें हल्के फ्राई कर लिया है। हम आलू को भी निकाल लेते हैं। तेज पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च, ये लौंग, इलायची, दालचीनी और जीरे को हम एक साथ डाल देंगे। हम इसे थोड़ा सा भुनने देंगे। देखिए, अब हमारा ये भुन चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, हल्का बादामी रंग। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम थोड़ा पकाएंगे। देखिए, हमारा पक चुका है प्याज और जिंजर गार्लिक। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब हम उसमें पानी डाल देंगे ताकि हमने जो मसाला आप डालेंगे वो हमारा मसाला जलेगा नहीं। हमने हल्दी और नमक डाल देंगे। क्यूमिन पाउडर और रेड चिली पाउडर हमें अच्छे से मिलाएंगे और कड़ा होने तक इसे भूनेंगे। अभी हमारा कड़ा हो चुका है। अब हम इसमें अपना आलू डाल देंगे।
डाल के अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसमें अपना जो मछली का माथा था उस माथे को इसमें डाल देंगे। ये माथा को मैंने तोड़ दिया है, अब माथे को अच्छे से तोड़ के उसके बाद अब इसमें मिला देंगे। इसे में चलाते हुए पकाना है। अब हम इसमें अपना बंधा गोभी मिला देंगे। और अब इसे अच्छे से मिलाते हुए इसे हमें कसा कसा ही करना है, गीला अच्छा नहीं लगता है। इसे हमें पूरा अच्छे से कस कस चलाते हुए कशा कशा करके पकाना है। हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते ही रहेंगे। ये देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है। ये देखिए हमारा बंदा को भी कशा कशा हो चुका है। अब हम इसे इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और घी, अगर आप घी नहीं खाते मछली के साथ तो आप इसे मत डालिएगा, ये बिना घी के भी बहुत अच्छा लगता है। और हम इसे अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा बंदा गोभी कशा कशा हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि हमारे जो गरम मसाले का सुगंध है हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाए। ये देखिए 5 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है। अब 5 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम अपनी सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारी बंदा गोभी मछली की माता के साथ बनकर तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।